गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी का मालूम है दोस्तों कि सुबह के जो 7 बजे रहता है वो शाम का भी से 7 बजे जो है शाम का 7 बजे आपको वोकैबुलरी देंगे और वह जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों अगर आप न्यू भी होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और साथ ही बेल घंटी भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका पास पहुंचता रहेगा। दोस्तों अगर देख रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट और क्लास जो है आज का जो वोकेबुलरी सेशन है तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट कीजिए। तो चलिए आज हम लोग 10 वर्ड्स जो इम्पोर्टेंस है वो वर्ड्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है और आगे जो बात करेंगे सीटेट सीटेट का तो वो हो ही गया। आप जो है यूपी टेट में जितने सारे जो है यूपी टेट में जो इंग्लिश के जो भी है इंग्लिश सब्जेक्ट में या आपको पीजीटी बोलेंगे पीजीटी या टीजीटी जो है एनवीएस का भी फॉर्म आ चुका है वो भरा गया है, भर रहे हैं, उसका भी तैयारी स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही पल में। और चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी भी है उसको भी करेंगे, साथ साथ में सब करेंगे। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी भी प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर करते रहें ताकि आपका जो भी है वो चीजों जो भी मटेरियल से जो भी चीजों ट्यूशन में जो पढ़ते हैं वही चीज यहाँ भी बताया जाएगा उसे भयानक तरीके से। तो चलिए ठीक है, चलिए आज का जो वर्ड्स है वो देखते हैं। ठीक है तो चलिए फर्स्ट वर्ड यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड क्या है? तो दोस्तों क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड मतलब हर वर्ड को एक सिंपल ट्रिक के साथ याद करते हैं तो हमेशा के लिए याद होता है। तो चलिए देखते हैं, ये सीजीएल सभी एग्जाम के लिए है तो चलिए आते हैं। पहला वर्ड बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट वर्ड की बात करेंगे। फर्स्ट वर्ड है कार्प। कार्प जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। इसका मीनिंग की बात करेंगे तो ये आलोचना करना या क्रिटिसाइज करना। ट्रिक के बात करेंगे दोस्तों तो इसको याद कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक क्या है? तो सिंपल ट्रिक जो है दोस्तों सिंपल ट्रिक क्या है कि कार पर बैठकर ठीक है किसी कार में यहां से ले लिए कार और कार पर बैठकर दूसरों को कर्प करते हो। ठीक है दूसरे को क्या करते हो? कर्प करते हो मतलब दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, दूसरे को शिकायत के बारे में बताते हो, शिकायत के रूप में बोलते हो, फिर दूसरे को आलोचना करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, तो ऐसा बात करते हो। तो कार्प से हम कर्प का आसानी से याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है राम साइकिल। राम साइकिल क्या है? राम साइकिल पास्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव। राम साइकिल पास्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव और इसका मीनिंग है तो जर्जर हो जाना या पुराना हो जाना। और बात करेंगे पुराना या घिसा पीटा। ठीक है बहुत पहले से साइकिल रखा हुआ है तो चित्ती या बहुत सारे जंग लग कर यह क्या हो गया? जर्जर हो गया या पुराना या घिसा पिटा। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो राम यहाँ से साइकिल तो राम का साइकिल। ठीक है राम का साइकिल राम का साइकिल राम का साइकिल राम का साइकिल अब राम साइकिल हो गया है। क्या हो गया? राम का साइकिल अब राम साइकिल हो गया है। ठीक है राम साइकिल मतलब पुराना या जर्जर हो गया। नेक्स्ट है डिटेंशन। क्या है? डिटेंशन और डिटेंशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मीनिंग के बात करेंगे तो हिरासत कर लेना या हिरासत और इसमें कैद कर लेना मतलब उसको पकड़ कर कैद कर लिया तो हिरासत में आ जाएगा मतलब अधिकार में हो जाएगा उसको अपने अधिकार कर ले। तो यहाँ से ट्रिक निकल के आता है। ट्रिक क्या है कि टेंशन अगर देश को टेंशन दोगे अगर देश को टेंशन दोगे तो देश तुम्हें क्या कर लेगा? डिटेंशन कर लेगा। क्या कर लेगा? अगर देश को टेंशन दे रहे हो तो देश भी तो चाहेगा इसको डिटेंशन कर ले, इसको कैद में कर ले, इसको हिरासत में कर ले। तो याद करेंगे टेंशन देश को दोगे तो देश तुम्हें डिटेंशन कर लेगा। ठीक है ये भी वर्ड याद हो गया होगा। आई होप दैट कि यह बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है सिमी। और सिमी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है और मीनिंग की बात करेंगे तो अनैतिक मतलब अनैतिक जो नैतिक होता है एक मॉरल होता है इनमोर तो अनैतिक जो है करप्ट है ना गलत काम करना अनैतिक। तो यहाँ से सिमी
आप सी से समझ सकते हैं, सी मतलब समुद्र। और अगर सी यहाँ से ले लिए, सी ट्रिक क्या है कि सी में, ठीक है, सी में अगर आप गंदे चीजों को फेंक रहे हो, सी में गंदे चीजों को फेंक रहे हो, तो कैसा कार्य हो सकता है? एक अनैतिक कार्य हो सकता है, एक एक सीमित कार्य हो सकता, एक सीमित कार्य है। तो यहाँ से सी में गंदे चीजों को फेंकना एक सीमित कार्य है, ठीक है, ये गंदे चीजों को फेंकना एक सीमित कार्य है। नेक्स्ट है 5 नंबर है, 5 एग्जास्परेट, पास्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है और मीनिंग के बात करेंगे तो उत्तेजित करना या गुस्सा दिलाना। तो कैसे, आप दुकान गए किसी सामान को खरीदने, लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं कि एक फैन था, उस फैन का नाम था एग्जास्ट, मतलब एग्जास्ट फैन, एग्जास्ट फैन कंपनी का नाम था, और उस कंपनी का नाम था वो फैन का, और वो फैन का रेट दुकानदार को जैसे ही पूछा तो जो कस्टमर जो था वो एग्जास्परेट हो गया, मतलब उसको सुनकर वो गुस्सा आ गया, वो उत्तेजित हो गया। कैसे याद करेंगे? तो एग्जास्परेट, एग्जास्परेट उत्तेजित करना या गुस्सा दिलाना। तो एग्जास्ट, एग्जास्ट फैन का रेट सुनकर एग्जास्परेट हो गया, क्या हो गया? एग्जास्परेट हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 6 वर्ड है, और 6 वर्ड में देखेंगे इनेप्ट। इनेप्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव, इसको मतलब अयोग्य बोलते हैं, जिसमें करने की क्षमता ना हो, है ना, अयोग्य। तो इसमें कलमेजी भी हो। तो यहाँ पे इनेप्ट को याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक है, इन्हें पता नहीं है कि ये स्टूडेंट इनेप्ट है। कहने का मतलब है इनेप्ट से इन्हें, इनेप्ट से इन्हें, इनेप्ट मतलब इन्हें पता नहीं है कि ये स्टूडेंट इनेप्ट है। कहने का मतलब अयोग्य स्टूडेंट है। चलिए नेक्स्ट है, 7 वर्ड है, इलिसिट। इलिसिट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, इसका मीनिंग के बात करेंगे तो निकालना, और ड्रॉ आउट ए फैक्ट फ्रॉम समवन, किसी से कोई फैक्ट निकाला जाता है, यार ठीक है। ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, ये फिर से पेन को, यह फिर से पेन को इलिसिट किया है, मतलब पेन एक बार निकाला था, उसके बाद फिर बोला कि ठीक है हम ही निकाले हैं, फिर दे दिया, फिर उन्होंने बैग से फिर से पेन को निकाला। तो यह फिर से पेन को इलिसिट किया, फिर से पेन को निकाला। नेक्स्ट है आपका 8 वर्ड है, ट्रेंजियंट, क्या है नेक्स्ट वर्ड? ट्रेंजियंट। और ट्रेंजियंट के बात करेंगे तो पास्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, और इसका मीनिंग है क्षणिक, जिसको टेम्प्रोररी बोलेंगे, ठीक है, क्षणिक समय के लिए। तो यहाँ से याद करेंगे ट्रेन, ट्रिक है ट्रेन, ट्रेन में, ठीक है, ट्रेंजियंट, ट्रेन में, ट्रेंजियंट, ट्रेन में, तो यहाँ से ट्रेन में, मतलब उसे ट्रेन में ट्रेवल करने का शौक ट्रेंजियंट होता है, मतलब ट्रेंजियंट है। कहने का मतलब उसको ट्रेन जो सफर करता है या कहीं जाता है तो उसको सिर्फ शौक के लिए जाता है, कुछ ही शौक के लिए, फिर उसको नहीं लगेगा, कोई भी फर्स्ट फर्स्ट नहीं गया है तो उसको शौक लगता है ना, शौक लगता है, शौक तो दुख नहीं, शौक है ना, मतलब शौक होता है। तो ट्रेंजियंट, ठीक है, ट्रेंजियंट तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है मेसमेराइज्ड, मेस्टमेराइज्ड, ठीक है, मेसमेराइज्ड पास्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, इसका मीनिंग है सम्मोहित होना, है ना, सम्मोहित होना, जिसको हाइपनोटाइज। तो यहाँ पे मेसमेराइज्ड, मेसमेराइज्ड, इस मौसम में, ठीक है, इस मौसम में कोई भी मेसमेराइज्ड हो सकता है, कोई भी मेसमेराइज्ड हो सकता है। कहने का मतलब इस मौसम में सामूहित हो सकता है, मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लोसिव, क्या है क्लोसिव? क्लोसिव जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, मीनिंग के बात करेंगे तो कट, मतलब कपटपूर्ण, ठीक है, मीनिंग क्या है? कपटपूर्ण। अगर कपटपूर्ण की बात करेंगे दोस्तों, कपटपूर्ण जो है, अगर कपटपूर्ण देखा जाए तो कपटपूर्ण क्या होता है, हर कॉलेजों में ना, हर कॉलेजों में कपट पुत्र ग्रुप होते हैं, है ना, ग्रुप होते हैं। तो क्या इसको याद करेंगे कि क्लोसिव,
तो कॉलेज में कुछ क्लोसिव ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, क्लोसिव ग्रुप भी होते हैं, मतलब कपटपूर्ण जो मतलब धोखेबाज बोल सकते हैं, तो कपटपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 10 वर्ड्स आसानी से ये ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीख गए हैं। अगर दोस्तों ऐसा ऐसा चाहते हैं आप, तो ऐसे ऐसे ट्रिक चाहते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो चाहते हैं कि हम आसानी से याद करें, तो दोस्तों अशोका इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपका जो है नोटिफिकेशन और बेल घंटी भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहेगा। अगर शाम का जो वीडियो होंगे वो रहेगा, शाम का जो वीडियो होगा वो मीन्स ग्रामर बेस्ट रहेगा, ग्रामर होगा, और जो है पीजीटी अभी जो यूपी टेट हो रहा है उसको मतलब लेट हो गया है, तो उसको बहुत जल्द ही मतलब जल्द क्या चालू ही हो गया है, हो जाएगा शाम से ही। और आप जो है जितना लेट हुआ ना उससे पहले ही आपको वीडियो जो है ना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपको देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, जितने दिन से आपको नहीं लिए हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, मतलब वीडियो को आपको पास पहुंचता रहेगा, तो मीन्स देखा जाए तो उसका मेकअप हो जाएगा, जो भी छूटा हुआ है उसको पूरे कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।